आपकी स्क्रीन पर लोगों की भीड़ से घिरे बैठे ये तीन शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि गुरुग्राम के डीसीपी साउथ के ऑफिस में काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने शराब के नशे में एक घर में घुसकर हुक्का पीने की जिद की और जब इनको हुक्का पीने से मना कर दिया गया तो इन्होंने घर वालों से मारपीट शुरू कर दी। घर के लोगों ने मिलकर इन पुलिसकर्मियों को दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना बुधवार रात तकरीबन 9:30 बजे की है जब गुरुग्राम के फाजिलपुर गांव में कांग्रेसी नेता रोहताश बेदी के बड़े भाई परमजीत बेदी अपने घर के बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। उसी दौरान एक वैगनार कार में सवार होकर 5 पुलिसकर्मी वहां पर आए। 5 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वो नशे में चूर थे। 5 पुलिसकर्मियों ने एक मकान के बाहर हुक्का रखा देखा तो ये अपनी गाड़ी लेकर रुक गए और हुक्का पीने की जिद करने लगे। जब इनको हुक्का पीने से मना कर दिया गया तो इन्होंने घर वालों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी और पुलिस का रौब दिखाया। घर वालों ने मिलकर इन पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। 2 पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गए जबकि एक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल इनके हत्थे चढ़ गए और इनको धर दबोचा गया। मैं और मेरे मिसेज यहां बेड पे मैं लेटा हुआ था, ये मेरे पैर के मालिश कर रही थी। फिर 3 आदमी मेरे को नजर आए, वो यहाँ आए जो हुक्का पीना है। एक आदमी दूसरे कमरे में से इधर से घूम के उधर से आया, जो बोला भाई ओ तेरा तम्बाकू कहाँ है, हुक्का पीना है। मैं भाई दारूवाड़ा के लिए, उन्होंने महक आई मेरे को, मैं दारूवाड़ा के लिए हुक्का नहीं है। घरवाली खड़ी हुई, इसको धक्का दे दिया एकदम, जो बैठ तेरे को पता है कौन है, हम मनोज को जानते हो, तो हम DSP के आदमी हैं, जो कब मकान के कागज ला के दिखाओ, कागज का है मकान के। फिर इसने फिर दोबारा खड़ी, उसको फिर दोबारा धक्का दिया। फिर मैं खड़ा होने लगा तो पर्दे वो हैंगर वो पाइप थे, इन्होंने मेरे को पाइप से मारना स्टार्ट कर दिया। फिर ये आगे गुथी, इसको फिर तीसरी बार इन्होंने धक्का दिया। फिर वो एक वो बंदा था, वो गार्ड लेके जो इनमें 3 आदमी यहाँ, 2 भागे, एक के पास यहाँ पे हथियार लगा हुआ था, उसने हथियार निकालने की कोशिश करी तो एक हथौड़ा मारने की, वो जब हथौड़ा मारा तो मेरे हाथ में आ गया। जब इन्होंने सोचा मेरे हाथ में आ गया, जब ये सारे डर के भागने लगे, फिर ये सारे इधर भागे, मैंने आवाज़ मारी तो मेरे बच्चे दुकान साइड से दोनों आ रहे थे, 3 गाड़ी में नहीं चढ़ पाए, 2 गाड़ी में चढ़ के एकदम भाग गए हो। शराब के नशे में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को लोगों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनके कपड़े फट गए और शरीर से खून निकलने लगा। मारपीट की जानकारी लगते ही आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो गए और गुरुग्राम पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। वहीं आरोपी पुलिसकर्मियों का कहना है कि वो तो सिर्फ हुक्का पीना चाहते थे, पता नहीं उनकी पिटाई क्यों की गई, उन्होंने शराब नहीं पी है, बस 1-2 पैग लगाए हैं। सर हम नॉर्मली जा रहे थे, घर की तरफ निकलते थे, ये बाहर हुक्का रखा था जी, ठीक है, हम रुक गए पीने के लिए, ले हुक्का है, बाहर हुक्का नॉर्मली रखा होता है तो भाई कोई ना कोई आदमी होगा, कोई ना कोई रात को 12 बजे है, ठीक है, ये इनके संस्कार है भाई साहब, हमारे भी ठीक है, बस यही हुक्के को लेके ये कोई छोटी मोटी पता नहीं क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। छोटी मोटी क्या, आप लोग शराब के नशे में आप लोग? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, यहाँ से बाहर निकल रहे थे, ठीक है। आपने बुजुर्गों के साथ मारपीट की है, जो महिला थी उनके साथ धक्का मुक्की की आपने, बोल रहे हैं आपके? ना सर, कोई लेडीज नहीं थी यहाँ पे, कोई भी लेडीज नहीं थी जी। उसके बाद क्या बात हुई, हुक्का के लिए मैंने कहा था, उस हुक्का पर मारपीट को उतार हो गया वो, उसके बाद हमने मना कर, चल ठीक है सर, वो गलत बोल रहा, उसके बाद मारू मत प्रमाण के लिए आ गया। आप लोग उन तीनों ने दारू पी? नहीं सर, हमने एक आध पैक लिया, उसी के अगर नहीं लिया, हमने ऐसी कोई बात नहीं सर, बाकी मतलब पूरा बुरा हाल होकर उसके बाद बोलने का मौका नहीं दिया, हम बाहर गए, बाहर जाने के मारने लग गए हमारे, ये बात होती है और कुछ बात नहीं थी, कोई लेडीज नहीं थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी सर। तो ये परिवार वाले यहाँ पे आपको घर में क्यों पीते हैं, आप किसी घर में घुसे रात में? हम बाहर से रोड के ऊपर थे, भीतर नहीं बढ़े हम, हुक्के के लिए पूछ जाओ, उल्ट सुलट बोल रहे, हम रुपये हुक्का प्याज दो, कोई बात नहीं सर, मैं हुक्का पीने की इच्छुक हो रहा है, पी लें हुक्का, तो उल्टा बोल रहा है, नहीं हथौड़ा कोई उठाए भाई, नहीं हमने कुछ, नहीं हमने कुछ मारपीट नहीं की जी। घायल है उनकी, चोट लगी हुई उनको? चोट मारी लग रही जी, हम देख लो कितनी लग रही, चोट इन दो लगी, उसको बाइक देख लो। पीड़ित का आरोप है कि 2 पुलिसकर्मी मौके से भाग गए, जिनकी गिरफ्तारी पर पीड़ित अड़े हुए हैं। पुलिसकर्मियों की इस हरकत से हरियाणा पुलिस की खाकी एक बार फिर से दागदार हो गई है, देखना होगा कि मामले की जांच में क्या निकल कर आता है। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से अनुज पंचाल की रिपोर्ट। सत्य
सटीक बेबाक।